हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। मैं आपको सुना रही थी रामायण, और मैंने पिछले एपिसोड में भी सुनाया था, याद है आपको क्या हुआ था? यहाँ हुआ था सूर्पनखा का नाक कटने वाला सीन, और फिर पता है आगे क्या हुआ? चलिए सुनते हैं। यहाँ होता है क्या, सूर्पनखा नाक पकड़कर रोते रोते जाती है लंका अपने भाई रावण के पास, और वहां रो रो कर विलाप कर 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 सारी कहानी रावण को सुनाती है। तो रावण को बहुत चढ़ता है गुस्सा, वो कहता है कौन थे वो लोग जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? सूर्पनखा बताती है वो है अयोध्या के राजकुमार जो यहाँ भटक रहे हैं साधुओं की तरह, पर उनके साथ है एक सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर नारी जो उन दोनों के लायक नहीं है, वो तो तुम्हारी ही पत्नी होनी चाहिए। वहीं पीछे से विभीषण इसका विरोध करते हैं, कहते हैं ऐसे अपशब्द किसी नारी के लिए अपने जीवा से मत निकालो, ये अच्छा नहीं है। रावण उसको डांट कर डपट कर चुप करा देता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, शांत हो जाओ। फिर विभीषण बेचारा चुप होके बैठ जाता है, छोटा भाई था, शांत हो गया। फिर सूर्पनखा रावण को और बहकाती है कि ये सीता विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है जो कि उन दोनों के लायक नहीं है, और राम के तो बिल्कुल लायक नहीं है। तुम इसका हरण कर लो और अपनी पटरानी बना लो तो तुम्हारी शान और शौकत और बढ़ जाएगी। रावण के मन में आई लालसा, वो सोचता इतनी सुंदर स्त्री तो मेरी ही होनी चाहिए। वो सोचता पर मैं करूं कैसे? वो बुलाता अपने मामा मारीच को जिस पे थी बहुत सारी मायावी विद्याएं। उसने अपने मामा को बुलवाकर प्लानिंग करी कि क्या किया जाए ऐसा जो सीता का हरण कर ले। मामा मारीच ने सुझाया आइडिया कि क्यों ना मैं एक सोने का हिरण बन के जाऊं। रावण को आइडिया बहुत पसंद आया, वो दोनों चल पड़े पंचवटी की ओर। फिर पता है क्या होता है? बता दूं क्या? थोड़ा बता देती हूँ। मामा मारीच बन जाता है सुंदर सा हिरण और घूमने लगता है पंचवटी में, जहां पड़ती है सीता माता की नजर उस पे, और सीता माता को वो आ जाता है पसंद। सीता माता कहती है प्रभु श्री राम, ये देखिए ना कितना सुंदर हिरण है, आप कृपया करके इसको मेरे ले ले आइए। पता पड़ा कोई और शिकारी अगर इसको मार दे तो? उससे पहले आप मेरे पास ले आइए इसको, मैं इसकी देखभाल करूंगी। अबोध सीता माता, उनको तो ज्ञात ही नहीं था ये है रावण की प्लानिंग। वहीं पे आगे होता है क्या, अगले पार्ट में बताऊंगी, अभी बता दिया ना थोड़ा और, नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं आगे की कहानी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रामायण के भाग। तब तक के लिए कहिए मेरे साथ जय श्री राम।